हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रहा हूँ छत्रपति संभाजी महाराज का स्केच। तो इस तरीके का ये स्केच है। तो सबसे पहले हम आईज, नोज और आईब्रोज ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद मुस्टेच, और फिर धीरे धीरे उनका चेहरा इस तरीके से, उनके बाल, जो उनकी दाढ़ी, ईयर, उसके बाद हम उनका आर्मर बनाएंगे इस तरीके से। ये हाथ की साइड, ये हाथ इस तरीके से, और ये हैंड आर्मर इस तरीके की डिज़ाइन का। और ये बाकी का, ये सेकेंड हैंड, ये उनका हैंड, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये चेस्ट की डिजाइन, और ये उनका हैंड, दूसरा हैंड में पकड़ी स्वर्ड, स्वर्ड की डिजाइन इस तरीके से। उसके बाद नीचे की साइड बनाएंगे, ये देखो इस तरीके से। उसके बाद हम सारे एरियाज को डार्क और स्केचिंग की तरह कलर कर देंगे पेंसिल से ही। ये मुस्टेच को, ये आईब्रोज, और ये उनकी दाढ़ी को, इस तरीके से। और ये उनके बाल, तो ये देखो इस तरीके से मैंने कर दिया है। इस तरीके से अब हम थोड़ी डार्क पेंसिल लेके पूरे में इसे डार्क करके बाकी की स्केचिंग कंप्लीट करेंगे। ये देखो इस तरीके से मैंने इसे डार्क कर दिया है। बाकी का आर्मर का डिजाइन, वहाँ के शेड, लाइट, डार्क, ऐसे। इस तरीके से। और फिर मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है पेट की साइड का वो, और स्वर्ड को भी हम उसका लोहा जो होता है उसका कलर भी हम दे देंगे। स्वर्ड को मैंने स्केल से अच्छी तरीके से बना दिया है। और फिर आर्मर के बाकी की जो डिजाइन है वो,
उसके उसको भी हम लाइट डार्क ऐसे शेड दे देंगे। और ये हैंड की सिलवट्टे थोड़े और हाथ को भी थोड़ा शेड देके सारे को कर देना है हमें ब्लेंड। हाथ को, हैंड आर्मर को इस तरीके से। तो गाइज ये थी मेरी ड्राइंग, कैसी लगी कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं नाम भी लिख रहा हूँ ऊपर। मार्कर से। तो गाइज ये थी मेरी ड्राइंग, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।